माता काली की क्रिया है, मरघट काली की क्रिया है, अब की क्रिया नहीं है, कम से कम 16 साल पुरानी क्रिया है। पर बीच बीच में क्योंकि इनके किसी ने बाल वगैरह ले रखे, बीच बीच में ठीक हो जाएंगी फिर वैसी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी फिर वैसी हो जाएंगी। अभी भी इनकी 50% क्रिया कटी हुई है, पर पीछे भैरवनाथ चल रहे हैं, उनके साथ दो प्रेत चलते हैं, भैरव के साथ दो प्रेत चलते हैं। अभी क्या हुआ? क्रिया करने वाला कौन है? कौन किसे देखा? 10 बजे हो गया। गुरु जी यहाँ से इनके 17 प्रेत गए हैं। 10 बजे पर जो गुरु जी जो करवाने वाला है ना, उसकी हाइट थोड़ी लंबी सी है और ऐसे बाल रखता है, थोड़े से ऐसे डाल के। थोड़े बंद कर देंगे जैसे कि कोई चौक चौरा पे माता पूजती है ना, उनके साथ बच्चे बच्चे से चलते हैं। वही दिखाई देती है इसको। अरे दारू का भोग दे के भेज रहे क्या गुरु जी? दारू का रोज ही भोग देता है। कितने प्रेत इसके धाम में आ सकते जी? 70 प्रेत निकले पहले भी, पर ज्यादातर जब भी दिखेंगे बच्चे बच्चे से ही दिखेंगे, बच्चे बच्चे ही दिखेंगे। और इसमें करने वाला कौन है? तो सीमा या सरिता? रिलेशन भी आ रहा है, जैसे कि इनकी बहू की मम्मी, इनकी बहू की मम्मी, इनकी लड़के की बहू की मम्मी। दो सी देगी गुरु जी, अभी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी एकदम से। ये तो किसी ने पितरों के ना पुतले पुतले से बना के रखे हैं, और लोटा लोटा सा दिखता है उसमें ना इनके पितरों की जो हड्डियां सी होती है और राख होती है ना, वो रख रखी है। घर की औरत है गुरु जी, घर बताता हूँ। घर में थोड़ी सी एंट्री करते तो गैलरी सी है, ऐसे चौकोर सा ओपन है। ए ध्यान से सुन, बता मेरे को ही करी। अरे क्या बता रहा है वो? घर में घुसते ही जो है ना चौक है, उसके में गैलरी बनी हुई है, पतली सी गैलरी। गैलरी में यही है कौन सा चौक हो रहा? जेठानी का घर है। कितने प्रेत आज तक इसके मरे हैं यहाँ पे? पितरों को तो बार बार निकाला जाता है, पितरों की हड्डी ले रही है, राख ले रही है। हड्डी और राख वाला जो भी प्रेत और पितर है ना, 30-30 बार निकालेंगे तब निकलेगा। ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। प्रेत तो इनके गुरु जी कम से कम 25-30 निकले, पर बार 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 वो पितरों के तत्व जागृत होते रहे। पितरों के तत्व जागृत होते हैं, प्रेत तो 30-32 निकले हैं, लेकिन पितरों के तत्वों को मारने के लिए भी कम से कम 1000 प्रेतों को मारना जरूरी है। यानी कि 1000 प्रेत को मारने का बल लगा है शनि धाम का। इसको भी देखो, इसको क्या है, गोथी को पकड़ा तो। फिर भी ये बताओ, गुड़गांव में वाली पूछती है घर में, ठीक है, और उसके साथ एक माता भी पूछती है, कालका या नैना देवी, बताओ। क्योंकि इन दोनों के साथ तुम्हारे घर के पितृ चलते, और कोई नहीं है बाहर का। पितरों के साथ मशानी के साथ ही पितृ पूछ रहे हैं। बस तो पितरों पितृ पूज रहे हैं इनके, उसके साथ वही तो दो देवियां पूछती है ना। कौन पूछती है? कोई भी पूछ। हाँ तो उसके साथ ही दो प्रेत वही घर के पितृ चलते हैं, बार 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 वो पितृ ओपन हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊंचा सा स्थान बना के ऐसे दो गोले गोले से बना रखे, जैसे गड्ढे से कर देते हैं ना, वैसे करके बना रखे। ऐसे ही है खेत में, ऐसे ही है ना। हरी जय शनि महाराज की जय। बता दे चीजें, हाँ कब से खेल रही है और यहाँ इसका क्या क्या हुआ है वो भी बता दे। चलो कम से कम 28 साल पुरानी चल रही है, ठीक है, 28 साल पुरानी समस्या है, पर पिछले 4 साल से ज्यादा परेशान हो। हमेशा पैरों में कमर में दिक्कत रहती है, बेचैनी सी रहती है, घुटन सी रहती है, गला सा रुक जाता है कोई पड़े, ठीक है, जिसके करके नींद बिल्कुल भी नहीं आती,
सपने में कभी कभी छोटे छोटे बच्चे दिखता है, कभी सांप दिखता, कभी पानी दिखता। करने वाला भी बताया, करवाने वाला भी बता दिया, करने वाला भी बताया, करवाने वाला भी बताया, क्रिया कब से है ये भी बताया, प्रेत कब से शरीर में ठहरा है ये भी बताया, और यहाँ क्या कथा है वो भी बताया। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव। ठीक है, और ये भी बताया किस देवता को लेकर करी गई है क्रिया, देवता को लेकर क्रिया की गई है, कौन देवता शरीर में खेलता है। तो बोलो जय शनिदेव।